हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माई चैनल जानकार हित। माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा। तो रिनल गल करांगा आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स था, दैट इज अबाउट बैंकिंग। बैंकिंग नाल संबंधित मेरी सेकंड वीडियो है। इस तो पहला बैंकिंग का जो फर्स्ट पार्ट है अबाउट कमर्शियल बैंक एंड द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, उसका लिंक मैं आज नीचे दे रहे हैं, उसको देख सकते हो। तो जो असं गल करांगे बैंकिंग के सेकंड पार्ट के तौर पर एज अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक ते केंद्रीय बैंक दे काम की ने। लेट्स मूव हेड विद मी टू डिस्कस टूडेज कॉन्टेंट इन डिटेल एंड सिंपलेस्ट वे। मैं एक गल हमेशा कहना होना कि जो भी वीडियो देखनी है फुल स्क्रीन करके देखो, ईयरफोन यूज करोगे तो तुसी बैटर वे दे विच कॉन्टेंट नू समझ सकोगे, तो कंप्लीट वीडियो देखो। तो अज गल करते हैं टॉपिक के बारे अबाउट सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की होंगे जेकर अस इस शब्दों बनने की कोशिश करिए, द एपेक्स बैंक ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री इज नॉन एज सेंट्रल बैंक। एपेक्स होंगे टॉप मोस्ट बॉडी, किसी देश की बैंकिंग व्यवस्था की जी टॉप मोस्ट बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने असं उस देश का सेंट्रल बैंक कहते हैं, क्योंकि उस देश के सारे बैंकिंग ढांचे को कंट्रोल करने का काम उस देश का सेंट्रल बैंक करता है। मॉनेटरी सिस्टम किसी भी देश का किमें मूव करना है, मनी की सप्लाई को किमें मैनेज करना है, इस सारा का सारा काम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ओपरेट करवाने का काम सेंट्रल बैंक करता है। जिथे तक साढ़े देश के सेंट्रल बैंक दी है, साढ़े देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 अप्रैल 1935 फॉर्म्ड होया अंडर बैंकिंग एक्ट। इस तो इलावा इहदी फॉर्मेशन तो बाद 1949 दे विच 1 जनवरी 1949 तो इहदा राष्ट्रीकरण किया गया, जिस तो एक गवर्नमेंट बॉडी बन गया साढ़े बैंकिंग सिस्टम की एज ए सेंट्रल बैंक टिल नाउ RBI इज वर्किंग ऑन। थोड़ी जानकारी लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर कर दें, मैं हमेशा कर रहा हूँ वीडियो के। दुनिया का जो फर्स्ट बैंक जिन्हों मनिया जाता है वो इटली दे 1472 दे विच एग्जिस्टेंस दे विच आया। उस बैंक का नाम सी बैंका माते दी पैसेजी दी सियाना। सियाना जो इटली दे विच जगह उत्थे बैंक एग्जिस्टेंस दे विच आया पहला बैंक। तो दुनिया का जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक सी, जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वह है रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन। स्वीडन का है रिक्स बैंक। इहदी जिहड़ी मौजूदगी है 1656 दे विच देखण नूं मिल रही है, पर फॉर्मल रूप दे विच जो इसने काम करना शुरू किया है रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन ने, उस 1668 दे विच काम करना शुरू किया है। मॉडर्न अर्थव्यवस्था दे विच जिहनूं फर्स्ट सेंट्रल बैंक मॉडर्न अर्थव्यवस्था दा सी मानदे आ, बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो 1694 दे विच फॉर्मड होया है। समझ लगी है, बड़ी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन नूं ध्यान च रखियो। ते अज दे टॉपिक दे वल अगे वधदे हां। सेंट्रल बैंक दे फंक्शंस की ने, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जो अज मैं गल करूँगा एक गल साफ ध्यान नाल सुनो इस गल नूं कि जो सेंट्रल बैंक की गल कर रहे हैं तो दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक ने आलमोस्ट सेम काम करते हैं, लिटल बिट डिफरेंस हो सकता है कंट्री टू कंट्री, पर मेजर जो प्राइमरी फंक्शंस ने सेंट्रल बैंक के सेम ने। जिवें साढ़े देश के अब जो गल करेंगे असं RBI के फंक्शंस की गल कर रहे हैं या सेंट्रल बैंक की, बोथ आर द सेम थिंग। सब तो पहला जो फंक्शन है RBI का ज सेंट्रल बैंक का, टू इशू करंसी नोट्स। किसी भी देश के दे सेंट्रल बैंक की तरह साढ़े देश के दे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन्हें भी करंसी नोट्स ने उन्होंने जारी करने का काम करता है, किन्ने करंसी नोट प्रिंट करने ने, अर्थव्यवस्था के किमें इशू करवाना है, करंसी नोट्स के रिगार्डिंग सारा जड़ा सिस्टम है उन्हों ऑपरेशनल जो करता है वो है साढ़े सामने RBI। ये कमर्शियल बैंक्स की हैल्प लैंदा है, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू अर्थव्यवस्था के मनी की सप्लाई होंदी है, पर नोट बनाने का काम है जड़ा वो RBI करता है या किसी देश का सेंट्रल बैंक करता है, अह सकते हैं। साढ़े देश के दे बारे एक होर गल है कि 1 रुपए के नोट को फाइनांस डिपार्टमेंट बनवाता है, बाकी सारे के सारे करंसी नोट्स जो ने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इस करके जो किसी भी देश के दे मुद्रा किन्नी प्रिंट करनी है, उन्हों किमें सर्कुलेट करवाना है, किन्नी करंसी नोट्स किस किस स्टैंडर्ड के होणगे, किस वैल्यू के होणगे, इस सारा का सारा उस देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक टू इशू करंसी नोट्स।
एक होर गल ध्यान नाल सोचो, इहदा मतलब करंसी नोट्स नूं इशू करन दे बारे दे विच जो सेंट्रल बैंक है इहदी मोनोपोली हुंदी है, एक अधिकार है, इहदा कोई कंपीटीटर नहीं हुंदा। ते किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है उहदा एक हैड हुंदा, जिवें साडे देश दे विच जो RBI का चीफ जां हैड है उहनूं असीं उसका गवर्नर कहिंदे आ। इस समय साडे देश दे विच जो RBI दे गवर्नर ने उह शक्तिकांता दास, दिसंबर 2018 तो लगातार उही वर्किंग दे विच ने। इस तो पहला लगातार बहुत सारे गवर्नर्स बने ने, जिस दिन दा RBI है, RBI दी फॉर्मेशन हुई है उस दिन तो लगातार जो इसका चीफ है वह गवर्नर है। गवर्नर ते डिप्टी गवर्नर दी जिहड़ी अपॉइंटमेंट है वह साढ़े देश दे विच RBI दे वह गवर्नमेंट दे द्वारा की जाती है। बाकी एक बोर्ड हुंदा सेंट्रल बैंक का, RBI का जिवें साडे देश है वो सारे दे सारे सिस्टम नूं ओपरेट करता है। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज द इट वर्क्स एज बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो देश दे विच गवर्नमेंट दे लई बैंकर का काम करता है, जिवें आम लोगों के लिए कमर्शियल बैंक होंदे ने, देश की गवर्नमेंट या राज सरकारां दे लई जो एज ए बैंक काम करता है उस सेंट्रल बैंक भाव RBI करता है। इस तो इलावा गवर्नमेंट दे लई एक एज ए एजेंट काम करता है, एजेंसी के रूप दे विच काम करता है, गवर्नमेंट दे बिलों का भुगतान जिन्ना भी है ट्रेजरी नूं ऑपरेट करवाना, इहदे विच पूरा का पूरा योगदान जिहड़ा है वह देश दे सेंट्रल बैंक का है। तीसरा इहदे विच ही एक पार्ट है एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट। इस तो इलावा जो सेंट्रल बैंक है गवर्नमेंट दे लई इकोनॉमिक प्लैनिंग दे विच, मॉनिटरी सिस्टम बनाने दे विच फाइनेंस डिपार्टमेंट दे नाल एज ए एडवाइजर लगातार काम करता है, तो एक गवर्नमेंट का एक एडवाइजर भी है अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज इट इज बैंकर्स बैंक। ये बैंकों का बैंक है, मतलब देश के जिन्हें भी कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक SBI, एक्सिस बैंक, PNB, जिन्हें भी कमर्शियल बैंक ने, ये सारे का जो बैंक है वो देश का सेंट्रल बैंक है, जिसनों RBI कह रहा मैं साढ़े देश के विच। भाव जिमें आम लोग किसी भी टाइप का जो लेन देन करते हैं, पैसा जमा करवाना, वो सारा का सारा कमर्शियल बैंकों करते हैं। इस तरह जो बैंक ने जोड़े कमर्शियल बैंक ने उन्होंने लिए एज ए बैंक जो काम करता है वो देश का सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जो RBI है या सेंट्रल बैंक है वो देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वह सुपरवाइजर है, भाई पूरी देख रेख रखता है। इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली बैंकिंग सिस्टम दिया नवीं पॉलिसी के अनुसार, फाइनेंस डिपार्टमेंट की नीतियों के अनुसार जो देश के कमर्शियल बैंक ने प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। RBI ने सेंट्रल बैंक जो इंस्ट्रक्शन कमर्शियल बैंकों को दीतियां ने उन्होंने वो फॉलो कर देने या नहीं, उन्होंने पूरा करवाना, उसके मुताबिक बैंकों को चलना, उन्होंने मुताबिक रेट ऑफ इंट्रस्ट तय करने, उसके मुताबिक लोन इशूज करवाने किसी पर्टिकुलर सैक्टर, इस सारा बैंकिंग सिस्टम के उत्ते पूरी देख रेख कर काम सेंट्रल बैंक करता है। नैक्सट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इट्स द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है आखिरी दर्जे का देनदार। यस, जो भी देश की बैंकिंग सिस्टम चलाते हुए कमर्शियल बैंकों के भी किसी टाइप प्रॉब्लम्स खड़िया हो जाते हैं, गवर्नमेंट्स के लिए प्रॉब्लम खड़िया हो जाते हैं, उन्होंने लिए बेसिक रूप के उस टाइम देनदार के रूप के लैंडर के रूप में जो काम करता है वह देश का सेंट्रल बैंक करता है। उस टाइम हैल्प करना, उन्होंने फाइनैशियली हैल्प देनी, यह सारा का सारा काम RBI के द्वारा किया जाता है, जिन्होंने असं सेंट्रल बैंक कर रहे हैं साढ़े देश का। इस तो इलावा नैक्सट फंक्शन ऑफ ए RBI और सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज और फॉरन रिजर्व ऑफ द कंट्री। देश का जिन्ना भी विदेशी मुद्रा भंडार है वह कस्टोडियन, वह मालक, वह रक्षक है वह देश का सेंट्रल बैंक है। पूरा देश के विच किसी पर्टिकुलर कंट्री की किन्नी करंसी है वो रक्षक के रूप के उस रिजर्व को मेनटेन करन दे विच भी इन्ना रिजर्व मेनटेन रहना चाहिए, इकोनमी को बैटर वे दे विच चलाने दे विच, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करन दे विच, पेमेंट्स करन दे विच, वो सारे दे सारे जिहड़ा फॉरन रिजर्व है उन्हों मेनटेन करन दा काम भी देश का सेंट्रल बैंक करता है। नैक्सट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज कंट्रोल ऑन क्रैडिट। जो साख के उत्ते नियंत्रण है अर्थव्यवस्था च किन्ना पैसा सर्कुलेट होना चाहिए, कि पैसा एक्सेस तो नहीं मार्केट के, मार्केट के डिमांड की पोजिशन की है
उस सारे के अनुसार क्रेडिट नूं कंट्रोल करन दा काम भी देश दा सेंट्रल बैंक करदा। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक डिवेलपमेंट और फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। नैक्सट अगला जो फंक्शन है इसका वह है क्लीयरिंग हाउस फंक्शन। क्लीयरिंग हाउस फंक्शन की होंगे इसे समझने की कोशिश करो। बैंकों के बहुत सारे चैक जो असं जमा करते हैं या ड्राफ्ट जमा करते हैं तो उस हालत के व्यक्ति की पेमेंट किसी होर बैंक तो दूसरे बैंक जानी होंगी है जा आनी होंगी है। इसका मतलब बैंकों का आपस भी हिसाब किताब रहता होगा किस बैंक के अज किन्ने चैक आए दूसरे बैंक में कितनी पेमेंट देनी है वह सारा जिहड़ा काम है उन्हें क्लीयर करना कहते हैं क्लीयरिंग। तो वह बैंकों के आपसी हिसाब किताब करने का काम भी किस बैंक ने कितनी पेमेंट देनी है वो फंड्स को किवें ट्रांसफर करना है एज अ क्लीयरिंग हाउस है जिहड़ा सेंट्रल बैंक देश का काम करता है देश के बैंकों के आपसी लेन देन का फाइनल हिसाब किताब करने के लिए। इस तो इलावा है ए प्रमोशन ऑफ इकनोमिक डिवेलपमेंट। देश के आर्थिक तरक्की होवे हर खेत्र के आर्थिक तरक्की होवे आर्थिक तरक्की के लिए कितना पैसा सर्कुलेशन चाहिए कितनी करंसी की जरूरत किस सैक्टर में है देश के करंसी की सप्लाई वधाई जाए या घटाई जाए तो कि सही एक बैलेंस इकनोमिक डिवेलपमेंट हो सके इनू मैनेज करने का काम भी जिहड़ा सेंट्रल बैंक करता है। इस तो इलावा देश के इकनोमिक स्टेबिलिटी बनी रहे देश के एक आर्थिक स्थिरता का जेकर वातावरण है तो देश का इकोनॉमिक फ्रंट के उत्ते दुनिया के बैटर अक्ष बनता है तो यह काम भी देश का सेंट्रल बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हुए करता है। नैक्सट है टू कलैक्ट डाटा। जदों भी गवर्नमेंट को किसी भी टाइप के डाटा की जरूरत पड़ती है या देश के इकोनॉमिक कंडीशन के रिगार्डिंग कोई भी डाटा कलैक्शन की जाती है वो कलैक्शन करने का काम भी फाइनैशियल मैटर के उत्ते जिन्ना भी डाटा कलैक्ट होंगे वो देश का सेंट्रल बैंक करता है। फिर वो डाटा गवर्नमेंट्स के लिए स्टडी करने वाले वास्ते रिसर्च स्कॉलर्स के लिए इस तो इलावा बहुत सारिया इंस्टीट्यूशन के लिए वो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेक प्लैन अबाउट इकोनमी। नैक्सट है स्पैशल फंक्शन इन डिवेलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। साडे देश क्योंकि सारा पता एक डिवेलपिंग कंट्री है इतने जो सेंट्रल बैंक है कुछ खास फंक्शन भी बन जाते हैं आम डिवेलप्ड कंट्रीज के मुकाबले वो कुछ होंगे कि लोगों के सेविंग प्रमोट करना लोगों बचत की आदत वधे जिदे जो मोनिटरी सिस्टम के बैंकों को पैसा ज़्यादा उपलब्ध हो सकता है इकनोमिक स्टेबिलिटी बनी रहे बैंकिंग सिस्टम सही ढंग चलता रहे देश के हर व्यक्ति की बैंक तक पहुँच हो कुछ स्पैशल काम ने जो सेंट्रल बैंक नूं साडे वर्गे देश दे विच करने पैंदे ने जिहड़ी एक डिवेलपिंग इकोनमी है। इस तों इलावा है मिसलेनियस फंक्शनज ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक होर बहुत सारे काम करता है जस्ट फॉर एग्जाम्पल पुरानी करंसी नूं एक्सचेंज करना है लोगों के नोट फट चुके ने उन्हों एक्सचेंज करवाने का काम भी आर बी आई या सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। मैक्रो इकोनमी की पूरी देखरेख करनी मैक्रो इकोनमी नूं पूरा कंट्रोल करना जिन्हों असी समष्टि अर्थव्यवस्था कहने इसनों फाइनैशियल मैटर के उत्ते मोनिटरी सिस्टम के उत्ते पूरी तरह कंट्रोल करने का काम जिहड़ा है वह सेंट्रल बैंक करता है ये गवर्नमेंट नूं टाइम टू टाइम अडवाइस दिंदा है। इस तों इलावा स्पैशल इनसेंटिव किसी खास सैक्टर नूं देना है किसी खास एरिए नूं देना है इहदे बारे भी फिर उन्हों लोन किस रेट पर प्रोवाइड किया जाना है किन्ना लोन प्रोवाइड किया जाना है इस टाइप के काम भी ये डिसाइड करके ये सेंट्रल बैंक द्वारा किए जाते हैं। इस तो इलावा कैपीटल मार्केट तो मनी मार्केट के उत्ते पूरा एक कंट्रोल करके उदा एक इंटैग्रल पार्ट होंगे देश का सेंट्रल बैंक। सो स्टूडेंट्स आई थिंक द होल कंसैप्ट इज़ क्वाइट क्लीयर सिंपल टॉपिक है ध्यान न समझो इस गल अज के कॉन्टेंट के रिगार्डिंग जेकर मन के कोई इशूज़ ने तुम वे अपना कमेंट दो नीचे कमेंट बॉक्स के जाके इस तो पहला कमर्शियल बैंक के उसके फंक्शन नाल रिलेटेड वीडियो का मैं लिंक दिता है उसनों भी देखो। इस चैनल के उत्ते इकोनॉमिक्स नाल रिलेटेड होर बहुत सारे टॉपिक ने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नाल रिलेटेड टॉपिक्स ने मोटिवेशनल वीडियोज़ भी ने बहुत सारिया उन्होंने भी देखो आने वाली वीडियोज़ का इंतजार करो। टिल दैन थैंक यू वेरी मच।